सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। जीतने के बाद जी अपने आप वहाँ रखेंगे के साथ साड़न की दिक्कत है, जो समस्या कराई है प्रधानमंत्री जी से। पैरा वैरा देना पड़ता है? हाँ बिल्कुल, रखाना पड़ता है। वो किसान मर गया है रखाते रखाते। लेकिन सरकार तो आपकी है, आपके कैंडिडेट है। सरकार तो है, तो जिस सरकार कोई सुनेगी नहीं तो किसान तो वैसे ही मरेगा। अब जो मोदी जी जब से रहे हैं तो सब वैसा गुंडागर्दी बहुत कम है, बहुत कम हो गई। तो बचत हो पा रही है कि खेती किसानी में आज की बचत हो रही है? बचत ना हो रही, वहीं दिक्कत बहुत है। सरकार तो गाय के नाम पे बनी थी कि भाई गाय को सुरक्षित, वो तो बनी है मगर दिक्कत तो है। आप भी वोट उधर ही दे रहे हो? वोट तो देना ही है भाई, परेशानी होने के बावजूद भी। हाँ फिर भी देना है वोट तो। ऐसा क्या कारण है? कारण का आज़ादी है और कोई दिक्कत नहीं है ना? और कोई दिक्कत ना है, गाय सारी रात रखानी पड़ती है, इस पर भी खा जाती है फसल के लिए, यही प्रॉब्लम है बस। समस्या किसानी की भी है, बेरोजगारी भी है, तब भी बीजेपी को देंगे वोट? यही बात है, खा हम जाते रात के लिए तो सुरक्षित हैं, जहाँ गुंडागर्दी करते ही ना, बच्चा ठीक है हमारे। और भी तो मुद्दे हैं भाई, आम आदमी के स्कूल शिक्षा व्यवस्था भी है, बेरोजगारी भी है, इन मुद्दों को नहीं देख रहे आप? फिर और क्या देखें, जा देख रहे हैं, बच्चा सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। मोदी जी तो बहुत काम कर रहे हैं, और योगी जी गायों के लिए? तो गायों के लिए कर रहे हैं, लेकिन यहाँ गाँव में होता कहाँ है, कुछ भी नहीं है यहाँ तो। गाय अभी भी हमारे यहाँ ऐसी छुट्टी घूम रही हैं, दिन रात आदमी परेशान है, खेतों में रहता है। समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए तो दिक्कत है, नई नौकरी तो दिख रही नहीं रही है कहीं। फिर वोट किधर कर रहे हैं आप, अगर ऐसी समस्या है तो? वोट तो बीजेपी को ही देना है। सीसीए में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश की बदायूं लोकसभा सीट पर है, और बदायूं लोकसभा सीट के हम अंबियापुर गांव में हैं यहाँ, और यहाँ बात करेंगे हम साक्या समाज से। मैं इस सीट पर प्रत्याशी की बात करूँ तो यहाँ से सपा से जो है शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव जी यहाँ पर चुनावी मैदान में, वहीं भाजपा से दुर्ग विजय सिंह साक्या यहाँ पर चुनावी मैदान में इस बार अपना भाग्य आजमा रहे हैं, और बसपा से मुस्लिम खां को यहाँ से टिकट दिया गया है। देखना ये होगा इस सीट पे चुनाव को लेकर क्या माहौल बनेगा। हम अंबियापुर गांव में साक्य समाज के बीच है। मैं बता दूँ आपको कि साक्य समाज जो है मौर्य समाज एक तरह से कहा जाता है, कुशवा समाज इसको कहते हैं, ये वो समाज है, और जानेंगे कि क्या इस बार राय है साक्य समाज को। जी नमस्कार जी। हेलो साहब, यहाँ साक्य समाज, कश्यप समाज, कोरी समाज ज़्यादातर बीजेपी की समर्थन में है जी। हाँ, क्या लग रहा है आपको, बदायूं सीट है ये, क्या देख रहे हैं इस बार क्या बनेगा? जी साक्य जीतेंगे बीजेपी के, दुर्विजय सिंह। तो ये पहले भी आपके यहाँ जो सांसद है वो संगमित्रा मौर्य जी यहाँ रही है, वे भी कहीं ना कहीं साक्य समाज से थी, उनका काम कैसा रहा और ये 10 साल कैसे रहे आप? काम तो सही रहा, मतलब काम में कोई कमी थोड़ी ना आई, सरकारी काम सही कर रही है तो ये सांसद जी का रोक लेंगे ना। ऊपर से मोदी जी सब योजना को व्यवस्था बना के वो ही भेज रहे हैं, तो इन्हें तो करने हैं भी। करते क्या आप वैसे? मैं खेती करता हूँ। खेती के लिए कैसे रहे ये 10 साल? आज सांड वगैरह जिनसे ज़्यादा दिक्कत रही है और कोई बात नहीं, जो बाजार घूम। हाँ हाँ, जो प्राइवेट सांसद जी ने उन्हें सुनी, विधायक ने सुन, मतलब जीत जाएंगे तो ऐसा करते जी सुने। हाँ जी साहब, क्या नाम? जी मनोज कुमार साहब। मनोज जी क्या समस्या है, क्या गाय गाय और बेजानने की है समस्या, और क्या समस्या? कोई समाधान नहीं है, कोई ना है, कोई सुनता ही नहीं। लेकिन सरकार है, बीजेपी की सरकार है भाई, कहीं ना कहीं गाय के नाम पर भी सरकार बनी थी कि सुरक्षित करेंगे गाय को, वोट तब भी देंगे, समझ गए ना, मगर इनकी व्यवस्था हो जाए बढ़िया बात है। क्या कमी नजर आ रही है, व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही इनकी भाई? पहले भी 5 साल मतलब सांसद रहे बीजेपी के, अभी भी आपके समाज से सांसद हैं यहाँ दुर्ग विजय सिंह, क्या उम्मीद कर रहे हैं अभी भाई कुछ समाधान हो? अब समाधान देखो, अब जे जीतेंगे तो समाधान हो सकता है, वो हाँ देव क्या कह रहे हैं? अरे जीत के सत्ता में जाएंगे तो अपने आप देखेंगे सांसद दुर्विजय सिंह देखेंगे, जीतने के बाद जो अपने आप वहाँ रखेंगे साहब साड़न की दिक्कत है, जो समस्या कराई है प्रधानमंत्री जी से।
तो आप जीतने के बाद आप क्या ना कि समस्या का समाधान हो सकता है? क्यों ना होगा, मान लो कही आई साहब का उन्ना सुनी आप सुनवा दें क्षेत्र में, मान लो सांड वगैरह मारे पड़ रहे हैं किसानों को, मार देते हैं फसल को नुकसान करते हैं। कितना नुकसान हो जाता है फसल? अरे फसल को तो जैसे खेत में पहुँच जाए तो बाकी तो रेत ही ना है, कहाँ है किसान। हाँ। एक आध लाख हो जाता है साहब, ये मान के चले किसान सर हो जाता है। पैरा वैरा देना पड़ता है? हाँ बिल्कुल, रखाना पड़ता है। वो किसान मर गया है रखाते रखाते। हाँ तो कोई समाधान नहीं हो रहा है? समाधान नहीं हो रहा है भाई साहब। लेकिन सरकार तो आपकी है, आपके कैंडिडेट है। सरकार तो है, तो जिस कोई सरकार कोई सुनेगी नहीं तो किसान तो वैसे ही मरेगा, मरेगा ना मरेगा। तो आप लोग सब सुनो ना हमारी, हम गलत नहीं कर रहे, सही कह रहे हैं हम। तो फिर वोट किधर करने की सोच रहे हैं चुनाव में? वोट तो देंगे, वोट क्यों नहीं देंगे? वोट देंगे। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये समस्या है। सांसद भी आपके समाज से रही है, अब फिर टिकट है आपके सांसद को बीजेपी से, तो वोट फिर भी उधर ही जाएगा? हाँ उधर ही जाएगा साहब, वोट उधर ही जाएगा जी। नहीं जी, गुंडा बदमाश तो ना परेशान कर रहे हैं, बेजानों को तो रखा लेंगे। अभी बहन जो रात बिरात आते हैं ले जाते चीज, तमंचा गोली मारी मार दो, मार तो ना रहे, खा जाने का नुकसान झेल ले तो क्या करें। क्यों साहब कह रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था सुधरी? हाँ हाँ, पहले थी ऐसी, पहले दिक्कतें थी? हाँ पहले, अब जो मोदी जी जब से रहे हैं तो उसे वैसा गुंडा कर दी बहुत कम है, बहुत कम हो गई। लेकिन आप किसान की बात करते, किसान की समस्या का नहीं होता समाधान? तो वही तो हम आपसे कह रहे हैं, हमारे जो हो जाए समझा तो बढ़िया है, ना हो तो किसान तो वैसे ही मरेगा, ना होगा तो। आप हमारी बात सुन रहे हो तो जी, हमारा तो वोट हमें नहीं देना है जो आप कह रहे तो जी है। तो जैसे किसान है भाई, और भी बहुत सारी समस्या है, खाद बीज ये सब भी महंगा हो गया, कह रहे हैं कि भाई बोरियां घटा दी, रेट वही है, इसमें दिक्कत नहीं होती किसान को? हाँ बिल्कुल होती है किसान, किसान को दिक्कत तो भाई है, भाई साहब दिक्कत तो वही है जो महंगा हो गया। तो हाँ तुम बात करो जी ना, अभी तो सही है रेट, यूरिया का भी सही है, DAP सही है, और क्या चाहिए? नहीं कह रहे हैं कि भाई वजन घटा दिया, पहले ज़्यादा होता था, 5 किलो कम कर दिया, पहले 50 का था 45 का, तो ये नुकसान नहीं है एक तरह का? हैं ये नुकसान नहीं है एक तरह किसान को? तो पहले रुपए भी तो ज़्यादा थे, अब 45 कर दिया, रुपए कम कर दिए? नहीं पैसे तो वही है घटा, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले 300 से ऊपर मिलता था ना, अब 300 से नीचे है ना, 70 का मिल गया है, 70 का 80 का जो मिल गया है सही है। आप खुश है? बिल्कुल सही बात है। 50 किलो हाँ हाँ जी। क्या नाम आपका? शिषपाल है जी। क्या करते हैं शिषपाल जी? खेती करते हैं। खेती करते हैं, कैसे रहे खेती के ये 10 साल? अरे घाट वाट ये गंजने की दिक्कत ज़्यादा है, और कहाँ है गाय की समस्या है। हाँ रात को भाई खेत फेरे थे, और पैरा देना पड़ता है। हैं पैरा वैरा देना पड़ता है रात में? अरे भाई ड्यूटी देने पड़ती है, गंजियाँ आ जाती बहुत बहुत परेशान हो जाते लगात। तो फसल को भी नुकसान होता होगा? बहुत खा जाती है गंजियाँ। तो बचत हो पा रही है कि खेती किसानी में आज की? बचत हो रही है, बचत ना हो रही है भाई, दिक्कत बहुत है गंजन की रखाने की जी। नमस्कार भैया जी, क्या नाम है अपना? मनोज कुमार। मनोज भाई बात कर रहे थे चुनाव की, क्या करते हैं आप ऐसे? खेती करते हैं भैया। खेती कैसे, खेती कैसी जा रही है, कैसे रहे 10 साल किसानों के लिए? खेती तो सब ठीक है भैया, गायें से बहुत दिक्कत है, पूरी रात रात खेत पर रहना पड़ता है। सभी गायें से बहुत परेशान है, हम जगह जगह घूम रहे हैं भाई, गायें से बिजार से इन सब से ही नुकसान हो रहा है, यही है दिक्कत है, और कोई दिक्कत ना इससे। फिर किधर सोच रहे हैं वोट करने का, किधर सोच रहे हैं? वोट तो BJP को ही देना है, बात बाकी कोई दिक्कत ना है, यही दिक्कत है गायें से और कुछ ना। लेकिन जब सरकार आई थी, योगी जी की भी सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है भाई, ये कह रहे थे गाय को सुरक्षित करेंगे, गाय के लिए उचित व्यवस्था की जाओगी, लेकिन आप कह रहे हैं कि परेशानी है इनसे तो? हाँ तो परेशानी तो है भाई, आप यहाँ चल के देख लो, कम से कम 100-150 गाय होंगी यहाँ पे, ब्लॉक के पास में ही 100-150 गाय होंगी, कोई समाधान नज़र नहीं आता इनका? अभी तो कोई समाधान हुआ ना है, सरकार तो गाय के नाम पे बनी थी कि भाई गाय को सुरक्षित करेंगे।
वो तो बनी है मगर दिक्कत तो है। आप भी वोट उधर ही दे रहे हो? वोट तो देना ही है भाई, परेशानी होने के बावजूद भी। हाँ, फिर भी देना है वोट तो। ऐसा क्या कारण है? कारण का आज़ादी है। लोकतंत्र है, आज़ादी तो है, लेकिन एक तरह से भाई किसानों को इतनी समस्या हो रही है, और भी कई सारी चीज़ें हैं। एक बात में पीते हैं आराम से, है ना? ये समस्या तो झेल लेंगे गाय वाली, वैसी और सरकारों में जो है गुंडागर्दी ज़्यादा रहती है, इसमें गुंडागर्दी नहीं है, तो उससे आराम है ना। आप नौजवान हैं, आपके गांव में रोज़गार की बात करूँ, अगर रोज़गार की क्या व्यवस्था है? कुछ नौकरियां मिली गांव में गांव के लड़कों को जो तैयारी कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, रोज़गार पे को आप कैसे देखते हैं? मिली हैं, कुछ लोगों को मिली भी हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम बाबू जी आपका? घनश्याम जी। घनश्याम जी, चुनाव की बात कर रहे थे, कैसे रहे 10 साल? सही रहेगा चुनाव, बीजेपी की तरफ रहेगा और क्या। तो किस वजह से? आपके तो कैंडिडेट भी है दुर्गविजय सिंह, आप कैंडिडेट की वजह से जा रहे हैं या फिर बीजेपी की वजह से जा रहे हैं? अरे बीजेपी को दे रहे हैं वोट, कैंडिडेट भी है, दोनों ही बातें हैं। क्या अच्छा लगा बीजेपी में आपको? सही है, अनुशासन सही है, सुरक्षा सही है आपके, लेकिन गाय की प्रॉब्लम है बस, और कोई दिक्कत नहीं है ना? और कोई दिक्कत ना है, गाय सारी रात रखानी पड़ती है, इस पर भी खा जाती है फसल के लिए, यही प्रॉब्लम है बस, बाकी सब बढ़िया चल रहा है। हाँ, बाकी सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम ना है। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं भाई नौकरियाँ रोजगार इस तरह की चीज़ें नहीं हुई है। अब रोजगार, अब वृद्ध आदमी हम और क्या बताएंगे आपको, है नहीं, जो कुछ है वो बता दिया आपको। क्या नाम बाबू जी आपका? सोहनलाल जी। सोहनलाल जी, कैसे रहे 10 साल? बढ़िया रहे। क्या अच्छा लगता है भाई? गुंडागर्दी ना रही और सब कुछ बढ़िया ही रहा। ये लोग तो गाय कह रहे हैं कि गाय से बहुत परेशानी हुई है। और परेशानी है, रात में मक्का रखाना पड़ता, हर फसल रखाने पड़ रही है। हाँ। क्या? अच्छा, हर फसल रख रही है, दिक्कत है। हाँ, गाय से ही दिक्कत है और कोई ना दिक्कत। हाँ, और बाकी चीज़ें जैसे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, वही इस तरह की चीज़ें हुई है, वो कुछ दिक्कत ना है, और तो सब झेल लेंगे। नौकरियाँ वगैरह मिल रही है? हम पढ़े ही ना है, हम तो क्या। और समाज से और तो बच्चे होंगे पढ़ने लिखने वाले, तो और तो सब अपने जैसे हैं तैसे चल रहे यार। तो आप कैंडिडेट देख रहे हो या सरकार देख रहे हो? ऐसा है, इसमें ना तो मातोर है ना कुछ है, हम रात को जाते हैं तो सेफ रहते हैं, जब माले में घर लौट के आते हैं, जब ना माले गए तो मार डाली मार रहे हैं टाँड पे, सुना है जाऊँ जब सरकार में कोई बात। सुरक्षा आप कह रहे हैं? हाँ, ये सुरक्षा बहुत अच्छी है, वोट तब भी मिले। हाँ, क्या चाचा आपको क्या लगता है कि भाई रोजगार की समस्या है यहाँ क्षेत्र में? रोजगार की समस्या सबसे बड़ी है, रोजगार की समस्या तो सबसे बड़ी है। रोजगार नौकरी वगैरह मिली कुछ बच्चों को आपके पिछले 10 सालों में 5 सालों में? कुछ ना मिली है नौकरी। और ये जो पेपर लीक हो रहे हैं, भर्तियां भी आई थी, भर्तियां लीक हो रही है भाई, रद्द हो रही है, भर्ती कहां से हो जाए जी भाई? अरे जब पेपर ही लीक हो जाए तो भर्ती कहां से हो जाए, बात तो ये है ना, पहले ही पेपर लीक हो जाए तो भर्ती हो कहां से जाएंगे, बात तो ये है ना। अभी आई भर्तियाँ निकल रही हैं, सही है, अब जब पेपर ही लीक हो रहा हो तो भर्ती कहां से हो जाए, बात तो ये है ना। तो दिक्कत होती होगी नौजवानों को, क्यों जब इतना सुनो दिक्कत कहना हो, रुपया सब खर्च होगा, वहाँ जा रहे हैं भीड़ भाड़ में, परेशानी तो है ही। अभी जैसे यूपी पुलिस की भर्ती आई थी भाई, 69,000 कुछ की भर्ती थी, आवेदन गए 50 लाख से ज़्यादा, तो एक समझ में आता है कि भाई कितनी बड़ी संख्या में बेरोजगार हैं यहाँ के नौजवान, तो वो रद्द हो गई, तो दिक्कत तो होती होगी नौजवानों को इससे भाई, इतने दिनों से तैयारी। दिक्कत तो होगी, जब जा रहे हैं लगन आ रहे हैं तो दिक्कत तो होगी, पैसा भी खर्च हो रहा है, परेशानी भी झेल रहे हैं, बात तो ये है। बीजेपी की सरकार है यहाँ, फिर भी भर्तियाँ हो रही है, और फिर आप किधर जा रहे हैं समस्या को देखते हुए? ना तो तब भी बीजेपी को लड़ाएंगे, सही है, तो तब भी बीजेपी में? हाँ बिल्कुल, बीजेपी को देंगे। समस्या किसानी की भी है, बेरोजगारी भी है, तब भी बीजेपी को देंगे, सही है, तभी बीजेपी।
क्या भैया लगता है ऐसा? हाँ, बीजेपी को ही देंगे वोट। क्या कारण है, क्या अच्छा लगे ऐसा, क्या पसंद आवे? यही बात है खा, हम जाते रात के लिए तो सुरक्षित हैं, जहाँ हम गुंडागर्दी करते ही ना है, बच्चा ठीक है हमारे, जहाँ पढ़ रहे स्कूल जा रहे हैं कहूँ जा रहे हैं तो सेफ है बच्चा। और भी तो मुद्दे हैं भाई, आम आदमी के स्कूल शिक्षा व्यवस्था भी है, बेरोजगारी भी है, इन मुद्दों को नहीं देख रहे आप? फिर और क्या देखें, जहाँ देख रहे हैं बच्चा सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। सुरक्षा का मुद्दा आपके लिए जरूर। हाँ सही। और भी नौजवान हैं, हाँ उनसे भी बात करेंगे। जी भैया नमस्कार, क्या नाम अपना? वेदराम साकिया। जी साकिया साहब, क्या लग रहा चुनाव आगे? बदायूं लोकसभा सीट है, क्या माहौल बन रहा है आपके यहाँ? माहौल हमारे यहाँ तो बीजेपी का बन गया है भाई। ऐसा क्या लगे बीजेपी में? अच्छा, उसके काम अच्छे हैं, तरीके अच्छे हैं, और किसानों के प्रति जो स्वभाव है उसका अच्छा है, हमारे जो है सही है। जो दिन दोपहर हम गाड़ी अपना लेके ये ई रिक्शा लेके घूमते थे अभी सवेर, वो लूटपाट नहीं होता हमारे साथ में, गुंडागर्दी नहीं होती है, कोई मारामारी नहीं होती हमारे साथ में। आप कह रहे हैं किसानों के लिए अच्छी, यहाँ तो कह रहे कि भाई गायों ने सांडों ने दिक्कत है, बहुत दिक्कत कर रखी। नहीं ये बात तो हकीकत है, देखो जो है जो किस गायों के प्रति तो वास्तव में बहुत परेशान है। देखो दिन और रात में आदमी को देखना पड़ता है खेत में जाकर, एक दिन ना जाओगे उसी दिन में आपका जितना भी फसल है बर्बाद हो जाएगी, गायों की वजह से तो परेशान है किसान। मोदी जी तो बहुत काम कर रहे हैं, और योगी जी गायों के लिए तो गायों के लिए कर रहे हैं, लेकिन यहाँ गाँव में होता कहाँ है, कुछ भी नहीं है यहाँ तो। गाय अभी भी हमारे यहाँ ऐसी छुट्टी घूम रही हैं, दिन रात आदमी परेशान है, खेतों में रहता है। यहाँ तो सांसद भी थे आपके, सांसद भी थी पहले, अब भी आपके समाज से ही टिकट मिला है, फिर भी समस्या का हल नहीं हो रहा। अब इस चीज़ में क्या मालूम क्या हुआ भाई, इस चीज़ को हम नहीं कह बता सकते। अच्छा आप नौजवान हैं, कुछ बेरोजगारी की समस्या नज़र आवे? बेरोजगारी तो है ही, जो कुछ है अपना तो ई रिक्शा चल रहा है, हमारा जो कुछ है सही है। समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए तो दिक्कत है, नई नौकरी तो दिख नहीं रही है कहीं, अभी तो दिख नहीं रही नई नौकरी है, पुरानी जो चल रही है वही चल रही है, नई नौकरी नहीं मिली। कहाँ मिल रही है बताओ आप? तो फिर वोट किधर कर रहे हैं आप, अगर ऐसी समस्या है तो? वोट तो बीजेपी को ही देना है। फिर भी बीजेपी को क्या करो, ऐसा क्या बीजेपी ने ऐसा क्या दिलाया? वो दें किसे बताओ, आप बताओ किसे दें? अगर सपा को दोगे तो गुंडागर्दी आएगी, फिर वही माहौल बनेगा, उससे तो अच्छा यही सही है। तो आपके लिए सुरक्षा बड़ा मुद्दा है? सुरक्षा सही है, किसानों के लिए तो है समस्या जो गाय वगैरह की, लेकिन वैसे समस्या नहीं है, ये सुरक्षा के हिसाब से सही है। नमस्कार भैया जी, जी क्या नाम अपना? नहीं ऐसे ही, क्या गांव से ही हो? हम भी अपर से। करते क्या हो? मजदूरी। मजदूरी करते हो, कैसे रहे मजदूरों के लिए साल? सही रहा, बहुत बढ़िया। क्या 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 सही रहा थोड़ा सा बताओ भाई? सब काम सही, मजदूरी बढ़ी कुछ क्या हुआ? मजदूरी बढ़ी, सब काम सही है। तो मोदी सरकार कैसी लगी? मोदी सरकार बहुत बढ़िया। अच्छा चलिए, आपके लिए सब बढ़िया है? हमारे लिए सब बढ़िया है। चलिए हम अभी अमियापुर गाँव में थे, ये बदायूं लोकसभा सीट का ये गाँव पड़ता है, हमने यहाँ साक्य समाज के लोगों से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि बदायूं में क्या माहौल है लोकसभा चुनाव को लेकर। इस समाज के लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं किसान जो है वो गायें बिजार सांड से परेशान है, और उसके बाद भी यहाँ बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं, उसकी वजह सुरक्षा एक इनके लिए बड़ा मुद्दा है। जुड़े रहे आप सीसीए से, उत्तर प्रदेश से आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद।